जब कोई फीलिंग आती है, कोई भी किस्म की फीलिंग, राइट, लाइक घबराहट हो जाए, खुशी हो जाए, एक्साइटमेंट हो जाए, और बताएं क्या होते हैं इमोशन, बस नाम लें, कंफ्यूजन, गुस्सा, बेस्ट वाला जो है गुस्सा, बात करते हैं जब गुस्से की बात करते हैं हमारे
सोसाइटी में हमने देखा हो कि लोगों को गुस्सा बहुत आसानी से आ जाता है, ठीक है, मगर हम फिर भी बच्चों कहते हैं गुस्सा ना करो, राइट। अब इसका कनेक्शन क्या है? डिफरेंस हमें ये देखना है कि एक इजहार करने का डिफरेंस और एक होता है कि खुद ब खुद निकल रहा है गुस्सा, वो बहुत अलग चीज़ होती है, राइट। अगर मैं गुस्सा इजहार करूँ तो मैं अपने लव्स को चूज़ कर सकती हूँ, मैं अपना बिहेवियर चूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो अवेयरनेस है, आगाही है उसकी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अगर मुझे कुछ पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है तो वो खुद उबल के निकल रहा होता है और मैं चीख रही हूँ, चला रही हूँ, मार रही हूँ, जो भी जो भी होता है, ठीक है, उसमें हमारी चॉइस नहीं है। तो चॉइस जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है। चॉइस को क्या बोलेंगे? आपकी मर्जी किसी चीज में हो, राइट। हमारे एहसास, आपको कैसे कभी फील होता है कि एहसास जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाए और आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है मेरे पास कोई मर्जी है ही नहीं, होता है ऐसे किसी के साथ? तो ये जो है ये ऑटोमेटिक हो जाता है एकदम से, और सबकी अपनी होती है, हर बंदा यूनिक है, हर बंदे की अपनी अपना तरीका है कि वो कैसे बाहर निकालते हैं अपनी चीज़, ठीक है। हमें क्या करना है, स्लोली स्लोली दिन एक एक दिन में करके प्रैक्टिस करनी है, गौर करनी है कि हमारे साथ हो रहा है, ताकि हमारे पास कोई चॉइस हो, क्योंकि अगर हम रुकेंगे नहीं तो चॉइस नहीं है। और इसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस, इसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस के रुक के गौर करना, नोटिस करना कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फॉर एग्जांपल, जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे साथ जो सबसे पहली चीज़ होती है वो है मेरा हार्ट जो है बहुत तेज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा, और अगर मैं गौर ना कर रहा मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या है। लेकिन मैं अगर गौर करूँगी तो मेरे पास एक हार्ट बीट होती है, फिर और भी बहुत चीज़ें हैं। अगर आप गौर करना शुरू करेंगे तो और भी छोटी छोटी चीज़ें नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल, जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा जो जॉ है वो कड़क हो जाता है, ऊपर टीथ आपकी जो है वो ऐसे हो जाते हैं, बहुत सटल, इतना सटल मतलब पता नहीं चलता, जब तक आप गौर नहीं करते तो नहीं पता चलता। और आँखें जो है बड़ी हो जाती हैं, आँखें बड़ी हो जाती हैं, जॉ जो है वो टाइट हो जाता है, शोल्डर्स ऊपर हो जाते हैं, ये सब जो है ना ये आपकी बॉडी का तरीका है आपको बताने के लिए कि भाई डेंजर, रुक जाओ, राइट। और इतनी वाइज चीज़ है ये कि हमें किसी थेरेपिस्ट की शायद ज़रूरत नहीं होगी, हमें बस अपने आप को सुनना है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ताकि मेरे पास कोई चॉइस तो हो कि मैं किस तरह से मुझे आपसे ये बात करनी थी कि हम किस तरह से ये प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस को कहते हैं तो बिल्डिंग प्रैक्टिस, आप लोग इंग्लिश सीखना शुरू किया आपने या कोई भी और लैंग्वेज सीखना शुरू की तो शुरू में कुछ समझ नहीं आता, राइट। शुरू में ऐसा लगता है हम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अजीब लगता है, बहुत अजीब भी लगता है, ऑकवर्ड भी लगता है, वियर्ड लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो कभी मुझे नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर अगर आप एक साल करते रहो प्रैक्टिस तो क्या होता है, आदत बन जाती है। सो नोटिस है, ये वर्ड में बहुत इस्तेमाल कर रही, नोटिस है क्या होता है, गौर करना, किसी चीज़ को नोटिस करना, ये जो है ये एक प्रैक्टिस है, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हम बस आज शुरू करें और हो जाएगा, कि मैंने आज बस ये चीज़ नहीं सीख ली और मुझे आ गया, ऐसे नहीं। ये है हर रोज़ की प्रैक्टिस। और सबसे आसान तरीका क्या है, रुके, स्टॉप, पॉज और नोटिस करें कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको गुस्सा आया हो या कोई बहुत ही इंटेंस इमोशन हो तो तभी आप करें, आप अभी भी नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी, एक मिनट के लिए आंखें बंद करके आप बस, अगर हाथ अपना यहाँ ला सकते हैं, नहीं ला सकते कोई बात नहीं,
बस आंखें बंद करके थोड़ा सा नोटिस करें कि आपकी बॉडी में इस वक्त क्या हो रहा है, मैं भी आपके साथ। और फिर हम थोड़ी सी शेयर करेंगे कि क्या आपको इनसाइट को क्या बोलते हैं, इनसाइट नहीं इनसाइट, मतलब आपको क्या महसूस हुआ उसके बाद। ठीक है, लेट्स ट्राई। तो एक काम करते हैं, बिफोर यू स्टार्ट कैन वी टेक 3 डीप ब्रेथ्स। एक सांस प्लीज, एक अंदर सांस लें और फिर एक बार मुंह से बाहर और नाक से अंदर। ठीक है, एक बार दोबारा इनहेल, वन लास्ट टाइम, काम बंद करके सिर्फ नोटिस करें कि क्या है बॉडी में, अगर कोई चीज बदली ये भी नोटिस। सुबह से फीलिंग हुआ था लेकिन आंखें बंद की तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी शोल्डर ब्लेड और मेरी शोल्डर और मेरी नेक में दर्द है। मैं जो भाग रही थी सुबह से तो मुझे वो दर्द तो होगा लेकिन मैं इसको ध्यान नहीं दे रही थी, तो इसीलिए जब ध्यान नहीं दे रही थी तो वो दर्द बढ़ेगा ना। जैसे आप एकदम ऐसे लगा कि मेरी शोल्डर में तो दर्द हो रहा है, थोड़ा टेंशन गई ना। नहीं, आपको कैसे पता चला कि आपको सुकून मिला? और ये कैसे पता चला कि नींद आ रही है? आप थोड़ा क्वेश्चन कैसे, मेरी बॉडी के लिए मुझे आराम खाना चाहिए, मुझे थोड़ी देर नींद नहीं चाहिए, मुझे सुकून है, सुकून है। तो बात जो मैं भाग रही हूँ मुझे अपने मुझे सुकून है। अब ये जो बात कह रहे हैं सुकून वाली, हमें कैसे पता चलता है कि हमें सुकून मिलता है? ये भी तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, कैसे पता चला कि सुकून है? देख मेरे ब्रेन से, किससे? मेरे दिमाग में, दिमाग से, दिमाग में काम हम सीधा जहन से काम करते हैं।
और वो हमारी गलती नहीं है, हमारी सोसाइटी इसी पे बिल्ड है कि हम हर चीज़ जहन से काम करें, और ज़रूरी है, जहन बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम बॉडी को कैसे भूल सकते हैं जबकि काम दोनों का साथ हो रहा है, सही है। और फिर शायद करेगा कोई भी चीज़ जो आपने महसूस की, ऑब्जर्व की, नोटिस किया, कभी कभी हमें स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए अब स्टोरी क्या होगी इसकी, क्यों हो रहा था मेरे साथ, कैसे क्या कैसे ठीक करूँ, ये सब जहन का काम, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको कहता है, ये सब जहन करता है, ठीक है। लेकिन जो बॉडी कर रही है ना, वो आपके लिए कोई मतलब कोई जजमेंट नहीं है, ना तो कोई एनालिसिस है, ना तो कोई रीजनिंग है, सिर्फ बस हो रहा है, वो ऑलरेडी हो रहा है, आप देखें या ना देखें वो हो रहा है, ये जो आपके हाथ में हुआ ये आपके कंट्रोल में नहीं था, खुद का खुद हो रहा है। तो हमें ये गौर करना है कि हमारी बॉडी जो है वो खुद का खुद क्या करती है, डिफरेंट स्टेट्स में, स्टेट को क्या बोलेंगे, हाल, राइट, डिफरेंट हाल होते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल एक हाल होता है सुकून वाला, हमें सुकून होता है, उसमें क्या क्या होता है बॉडी में, दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में जो आती हैं वो ये है कि रिलैक्स होती है बॉडी, मेरे शोल्डर जो है वो थोड़े से ऐसे होते हैं, लूज होती है, ठीक है। हैवीनेस जो होती है ना बॉडी में वो कम होती है, लाइट फील होती है, राइट। आँखें मेरी नरम होती है, आप नोटिस करिएगा जब आप सुकून में होते हैं तो आपकी आँखें नरम होती है, लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो हम ऐसे होता है, राइट। और कभी कभी ये चीज़ें स्टक हो जाती हैं, अगर हम बहुत टेंशन लेते हैं और कभी भी रिलैक्स नहीं करते ना, तो हमारी आंखें ऐसी हर वक्त की ऐसे हो जाती हैं, और फिर मुंह भी जो ऐसे हो जाता है, कि इस वजह से, क्योंकि ये सब एहसास हमारी बॉडी में लिव करते हैं, हम जितना सोच लें जितना प्रॉब्लम सॉल्व कर लें एहसास जो है वो बॉडी में, तो अगर हम बॉडी को भूल जाएंगे तो वो आधा काम है, राइट। फ्लैशबैक्स आपको वो ऑब्जर्व किया आपने, फ्लैशबैक कोई भी नहीं है, जब कोई चीज़ याद आती है, इस बार ट्रांसलेशन जब पास्ट की बातें, पुरानी कोई बात ऐसी जो ट्रॉमा वाली बहुत मुश्किल कोई चीज़ हुई हो तो वो वापस से एकदम से याद आती है, ऐसे नहीं होता कि अच्छा अब मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। आप लोग तो ये सब जानते होंगे कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसे हुआ होगा कि फ्लैशबैक आता है कोई बहुत ही ट्रॉमा वाला, जिसमें बहुत दर्द हुआ होगा किसी चीज़ में, तो वो वापस एकदम से आता है खुद ही खुद ही। और जब वो चीज़ होती है तो आप नोटिस करें कि बॉडी में क्या होता है उसका, वही चीज़ होती है स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस जो है वो बॉडी में रहती है, ठीक है। इसी वजह से जब हम अपनी बॉडी के थ्रू स्ट्रेस को कम करते हैं तो काफ़ी महसूस भी होता है, हग क्यों अच्छा लगता है हमें, ये सोचो हग से ही हमें एक वो सुकून मिलता है, काफ़ी लोगों को, नॉट एवरीवन, लेकिन काफ़ी लोगों को हग से सुकून मिलता है, क्योंकि टच जो है कल प्री स्कूल का एक बच्चा आया मेरे साथ, कौन खड़ा था उससे, वन ऑफ प्री स्कूल टीचर्स वाज विद मी, वो आया और उसने, मैं नाम नहीं पहचानती, हग करके ना और आँखें बंद ऐसे पीठ पे हाथ फिरने लगी, मैं समझी शायद उसको कुछ हुआ होगा, ठीक है, ओके आई ओके, फिर वो कहते हैं सुकून मिल गया, उससे एक सिग्नल जाता है मेरे नर्वस सिस्टम, अगेन वर्ड, नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाता है जहन को कि अच्छा अब हम सेफ हैं, डेंजर नहीं है। और हाथ जो एक ही तरीका, एक तरीका है, बहुत सारे दूसरे तरीके हैं ये करने के लिए, लेकिन टच अपने आप को, मैं अपने जब हाथ अपने दिल पे रखती हूँ या अपने शोल्डर पे रखती हूँ या अपने सर पे रखती हूँ तो एक फीलिंग आती है, अगर आप रुकें और सोचें और गौर करें तो, उसी तरह से हग हम दूसरों से तो ले लेते हैं, हम अपने आप को तो कभी हग नहीं लेते, ये क्यों,
और क्यों हंसी आती है जब हम अपने आप को हग करने जाते हैं? मुझे सालों तक ये बात पे हंसी आती थी कि अपने आप को मैं क्यों हग करूँ, क्या अजीब बातें हैं, लेकिन आप मुझे समझ आती है क्यों? क्योंकि हग से एक्चुअली आपका नर्वस सिस्टम जो है, बॉडी जो है, वो उसको एक सिग्नल मिल रहा है कि हम सेफ हैं. और जब तक सेफ फील नहीं करेंगे बॉडी में, देखिए सेफ जो है वो अजीब सा वर्ड भी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है. यहाँ पे हमारी सेफ्टी ना हो, बाहर की एनवायरनमेंट, हाउ यू कॉल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर का माहौल, ठीक है, ऐसे सोचना एक अंदरूनी दुनिया है और एक बाहर की दुनिया है, ठीक है. बाहर की दुनिया जो है वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते. जो कल होगा हमारे मुल्क में, हमारी फैमिली में या स्ट्रीट्स पे, हम नहीं उसको प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या होगा. लेकिन जो चीज़ को हम कर सकते हैं वो है अंदरूनी दुनिया, ठीक है. हमारे रिलेशनशिप्स, फैमिली में क्या हो रहा है, ये सब कंट्रोल में, बहुत कम कंट्रोल होता है इन चीज़ों पर. कोशिश हमारी बहुत होती है कि हम कंट्रोल करें हर चीज़ को, लेकिन होता नहीं है, राइट. तो हो सकता है कि बाहर की दुनिया में आपके पास सेफ्टी नहीं है, महफूज नहीं है आप, लेकिन अंदर की तरफ अंदरूनी दुनिया में किस तरह से सेफ्टी बढ़ानी है वो उसकी बात करेंगे सारा, कि हम अपनी अंदरूनी दुनिया में कैसे खुद से सेफ्टी इख्तियार कर सकते हैं. ये समझ आ रही है बात जी? कोई क्वेश्चन? खुद को हग कैसे करें? लेट्स डू इट राइट नाउ. हाउ डू हग योरसेल्फ एंड फील इट? थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके, लिटरली 5 सेकंड्स आंख बंद करके देखें कैसा फील होता है. अजीब भी लग रहा होगा, बहुत हंसी भी आ रही है, क्योंकि क्यों ये हम लोग कभी नहीं करेंगे तो अजीब लगेगा ना, जब कोई चीज़ करी नहीं है तो अजीब लगेगी, राइट. सो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, हम आज छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें तो छोड़ जाती, छोटी चीज़ें अपने आप का हक करना. और ये सोचें क्यों, इसकी साइंस सोचें कि टच जो है वो नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है कि हम सेफ हैं. इवन अगर बाहर सेफ्टी नहीं है, हम अपने आप को बता सकते हैं कि हम सेफ हैं बॉडी के थ्रू. कोई करता है ऐसे? यस, मुझे जब भी गुस्सा आता है किसी भी चीज़ में तो मैं अपने ही हाथ को यहाँ पर यूज करती हूँ, कि सो चाहे कोई हो या ना हो, मतलब अकेले भी हूँ तो फिर मैं हाथों को यूज करती हूँ. ये किसी ने नोटिस नहीं किया? मैंने किया नोटिस. नाउ दैट यू से इट, अभी तुमने जो ये किया मुझे लगा ये तो तुम बहुत करती हो. मुझे लगा शायद ये ऐसी तुम्हारी आदत है. नहीं, मैं तो जब मैं यू करती हूँ तो इसलिए कि मैं अपने आप को कह रही हूँ सोके नीचे. ये मेरी हैबिट बन गई है, सबसे बहुत मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया है क्योंकि मैं अपने आप को रेगुलेट कर रही हूँ. अच्छा, इस बात पे गुस्सा करना छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है गुस्सा आना था? नहीं. तो यार गुस्सा तो आएगा, नेचुरल इमोशन है, ऐसे कैसे उठता है? गुस्सा के बगैर हम कैसे इंसान बन सकते हैं? हो ही नहीं सकता. गुस्सा तो बहुत ही एक ऑटोमेटिक नेचुरल हेल्दी इमोशन है, लेकिन उसका इजहार कैसे करते हैं वो फिर अलग बात है. उसमें आपका एक चॉइस होता है, ठीक है. तो हमें अपने लिए चॉइस बढ़ानी है थोड़ी सी, ये है. सो अगर हम उदासी की बात करें, लाइक सैडनेस और डिप्रेशन की अगर बात करते हैं, डिप्रेशन जो ऐसी चीज़ें, उसमें इतना ज़्यादा हम अंदर चले जाते हैं कि फिर हमें लगता है कि कोई चॉइस ही नहीं है बाहर आने की. मेरे साथ हो चुका है ऐसे, किसी के साथ हुआ है ऐसे, कि ऐसा हो कि लगता है हम नहीं बाहर निकल सकते इसके, सब सी वर्ल्ड पर. तो वो इन चीज़ों में हमें, हम जब गौर करेंगे इन चीज़ों पर तो वो उस इंटेंसिटी तक नहीं जाएगी. समझ रहे हैं कि अभी जैसे मुझे फील हुआ कि हाँ मैं उदासी की तरफ जा रही हूँ या मैं गुस्से की तरफ जा रही हूँ, तो मुझे अगर गौर होगा, प्रैक्टिस होगा कि मैं अपने आप को देखूँ कि अंदर क्या हो रहा है, तो शायद मेरे पास और भी चॉइसेस होंगी. इसी में मेरा चॉइस, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. इंतखाब, क्योंकि वरना क्या होता है, हमें लगता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. सो कैन आई शो दिस visual? Yes. This kid's outside. Somebody wants to come.
क्लास पीछे बैठ जाए कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उन्हें सूट जाए मुझे ये हाँ आई वॉन्ट टू से समथिंग मुझे ये बिल्कुल इस तरह से महसूस होता है जैसे अभी आपने बोला भी तो मुझे दोबारा वो ही इक्वेशन सा आता है कि जैसे अगर हम जेल में बंद हों जेल है ठीक है और उसका ताला कोई बाहर से लगा के चला गया है तो अब मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं ना मैं अपने एक पिंजरे के अंदर बंद हो गई हूँ बस अब कुछ भी नहीं है दूसरा मुझे लगता है पिंजरा ऐसा कि जिसके अंदर से ताला लगा हुआ है और उसके ऊपर कॉम्बिनेशन है जिसका मुझे पता है मैं उसको खोल पाती हूँ जब मुझे खोलना है जब मुझे अंदर जाके बैठना है वो भी मेरे पास चॉइस है बंद करने की लेकिन जो ये जो सैडनेस होती है या इस किस्म के जो हालात होते हैं जिसमें हम स्ट्रक हो जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है हम एक ऐसे पिंजरे में बंद हो गए हैं कि जिससे हम निकल ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी और उसका ताला पता नहीं कहाँ है किसके पास है समझ नहीं आ रहा था हालांकि सारी चीज़ें हमारे अंदर ही होती हैं हमको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए बहुत मुश्किल है ये करना बहुत मुश्किल है मगर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं और जितना अर्ली ज़िंदगी में शुरू करेंगे यानी किंडरगार्टन के बच्चों के साथ इतना वो उसमें प्रो हो जाते हैं बड़े बिल्कुल इट्स ट्रू मुश्किल तो बहुत है स्पेशली अब जितना आप बड़े होते जाते हैं तो और मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान होगा राइट तो ये मुझे आपको दिखाना था हम अभी बात कर रहे थे हाल के बारे में स्टेट ठीक है एक हाल होता है सुकून वाला और एक हाल होता है तीन हालों के बारे में हम बात करेंगे थ्री स्टेट्स नर्वस सिस्टम स्टेट्स ठीक है बॉडी के तीन स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे जो बीच में है येलो वाला वो है हमारा सेफ स्टेट जहाँ पे हम बिल्कुल सेफ फील करते हैं सुकून में एट पीस हम प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रेजेंट का क्या बोलेंगे मौजूद जब हम इस वक्त में मौजूद हों अब मुझे ये बताएं जब स्ट्रेस होता है टेंशन होती है तो हम क्या मौजूद होते हैं प्रेजेंट वाले मोमेंट में बिल्कुल भी नहीं होते हमारे दिमाग में बस चल रहा होता है फेक की तरह के ये भी है वो भी है ये क्यों हुआ ये कैसे हुआ कल क्या होगा पर कल क्या हुआ था तो हम नहीं प्रेजेंट हो सकते ठीक है ये जो येलो वाला स्टेट है ये वो वाला स्टेट है जब हम बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं आप लोग सोच सकते होंगे कभी अपनी ज़िंदगी में या अपने दिलों में कैसा स्टेट आता है कभी कभी आता है यूजली नहीं होता लेकिन जब आता है तो फील होता है कोई बता सकते हैं कब होता है आपके साथ ये जब आप बिल्कुल मौजूद होते हैं अपने लाइक प्रेजेंट मोमेंट पर आप बिल्कुल सुकून में होते हैं ये किस टाइम पर होता है जब हम बहुत शुक्रगुजार होते हैं या हमें कोई अपनी मनपसंद चीज़ मिल जाती है तो फिर ग्रेटिट्यूड होता है तो फिर उस वक्त जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी इफेक्ट नहीं कर रही होती हैं मतलब पता है कि हाँ ये भी साथ नेगेटिव चल रहा है लेकिन वो इफेक्ट नहीं कर रही होती बंदा जो वो स्टेबल काम फूल चल रहा होता है अपने साथ बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं लेकिन हमारे पास उसके लिए कैपेसिटी होती है कैपेसिटी कोई भी नहीं कहते ठीक है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में विंडो ऑफ कैपेसिटी ठीक है इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे विंडो क्या कहते हैं गुंजाइश की खिड़की बिल्कुल सही हुआ तो गुंजाइश की खिड़की अब आपने जो कहा कि जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो आपको पसंद है जैसे कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद ठीक है जब मैं म्यूज़िक सुनती हूँ तो मैं इस जगह पे चली जाती हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेजेंट होती हूँ मेरे जो स्ट्रेस है वो सब है लेकिन मेरे पास गुंजाइश है उसको आई डोंट नो अबाउट दैट इट्स नॉट डिटैच्ड डिटैच से वो थोड़ा अलग है मैं एक्चुअली एग्जिस्टिंग फॉर डिटैच थोड़ा सा हो जाती हूँ देयर इज अ डिस्टेंस राइट वरना क्या होता है कोई चीज़ टेंशन होती है हम उस पर हुक हो जाते हैं जैसे वो मछली की हुक नहीं होती वैसे वो हो जाते हैं लेकिन ये जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हम इस स्टेट में होते हैं येलो वाली में जब हम खिड़की के अंदर होते हैं तो हमारी गुंजाइश बड़ी होती है अब ये जो येलो वाला है स्टेट ये हमारी गुंजाइश है ठीक है कि कितना हम स्ट्रेस सह सकते हैं इधर या उधर जाने के बगैर ठीक है अब इधर और उधर क्या है ऊपर वाली जो स्टेट है वो क्या होगी कोई गेस कह सकता है ये जो स्टेट जो उसके ऊपर जाती है परेशानी एंजाइटी
दोनों तरीके से गुंजाइश खत्म हो गई, ठीक है? ऊपर जाएंगे तो वो भी गुंजाइश नहीं है, नीचे जाएंगे तो वो भी गुंजाइश नहीं है, रिएक्शन है। यस, सो द फर्स्ट ऊपर वाला जो है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपर अराउजल, ठीक है? और ये इसके अराउजल कह रहे हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम जो आपकी बॉडी जो है वो बहुत काम करती है जब हम टेंशन में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग एक वो है, उसका रिजल्ट है, ठीक है? वो क्या है, ये एक साइन है आपका। जब ओवर थिंकिंग मशीन चल रही है ना, इसका मतलब आप ऊपर वाली जगह में, ठीक है? आप बीच वाली जगह में नहीं है। ओवर थिंकिंग, लेकिन थॉट्स तो सबको आती हैं, वो थोड़ी रोक सकते हैं हम। लेकिन जब हम होक हो जाते हैं, मछली की वो जो रॉड होती है उस तरह से होक हो जाए और बस आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, तो वो है आपका रेड वाला स्टेज, ठीक है? अब ये बताएं कि जब वो होता है, जब कोई सोच या जब कोई दर्द से आप होक हो जाता है, तो उस वक्त कैसा महसूस होता है, कोई बता सकता है? जब हम उस वाले स्टेट में होते हैं ऊपर वाले, तो हमारे पास चॉइस कम होती है क्योंकि जो बॉडी है वो बिल्कुल एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड का मतलब स्पीडी, फास्ट हो जाती है, एक्शन बेस्ड हो जाती है, ठीक है? तो अगर मुझे टेंशन हो रही है या मुझे कोई चीज़ से डर लग रहा है, तो क्या होगा, मैं उस वाले स्टेट में जाऊँगी, ऊपर वाले, रेड वाले में। रेड वाले में वो सारी चीज़ें होती है, दिल धड़कना बहुत तेज, शिवरिंग, स्वेटिंग, पसीना आना, ये सब क्या हो रहा है, बॉडी चल रही है। स्वेटिंग क्या मतलब, चल रही है बॉडी, नहीं शिवरिंग, बॉडी चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। तो तेज़ी जो है वो रेड वाला स्टेट है। तो इससे जब हम गौर करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, तो हमें पता चल जाता है कि हम कौन सी जगह में। ये आपकी सबसे पहली प्रैक्टिस होगी कि मैं हूँ कौन सी जगह पर, ठीक है? हर थोड़े थोड़े घंटों में चलते हैं, अच्छा अभी मैं कौन सी जगह पर हूँ, और आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आप कहाँ पर। नीचे वाले स्टेट पर आते हैं, द ब्लू स्टेट, ठीक है? उसको हम कहते हैं हाइपो अराउजल। ये होता है जब जिस तरह से ऊपर वाला था कि तेजी हो रही है, वो उसका ऑपोजिट है। जब हम बिल्कुल कम फील करते हैं, वो है दूसरा वाला स्टेट, ठीक है? आप लोग सब सोच रहे होंगे अपने बारे में भी कि मैं कौन से वाले में ज़्यादा हूँ, और ये बहुत अच्छा है, सोचे इस पर गौर करने के लिए, कौन सा स्टेट है जिसमें मैं ज़्यादा रहती हूँ। मैं अपना बता दूँ, पता ही होगा आपको देखने से ही कि मैं ऊपर वाले स्टेट होती हूँ ज़्यादा, ठीक है? एक्साइटमेंट भी उसी में आती है, क्योंकि एक्साइटमेंट में क्या होता है, जब मैं एक्साइटेड होती हूँ तो मेरा दिल लगता है। तो इसमें बुरी बात नहीं है कोई, ऊपर या नीचे होने में कोई बुरी बात नहीं है। ये सिर्फ क्या है, जो आपने कहा था कि टू अंडरस्टैंड अवरसेल्व्स। जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं, तो हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, राइट? तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, और इस एक्चुअली बहुत ही ज़हीन चीज़ है ये। क्योंकि आप ये सोचा, जब एक टाइगर या शेर आपके सामने खड़ा हो, ठीक है, कोई बहुत ही मतलब डरावनी किस्म आपसे बहुत बड़ा है, सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, भागेंगे? और शाउट, स्क्रीम, ओके? अब इसको मैं कैटेगराइज करूँगी दो चीज़ों में, ठीक है? एक होता है भाग जाना, ऑब्वियसली अगर इतना डेंजर है तो मैं सबसे पहले तो भागूंगी, मगर कोई कोई लोग बोलेंगे नहीं, मैं तो जाके लड़ूंगा या लड़ूंगी, हाँ। तो फाइट और फ्लाइट इसको कहते हैं, राइट? फाइट और फ्लाइट, ये जो है ये आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज होते हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स का मतलब स्ट्रेस आया और सबसे पहले बॉडी क्या करेगी, ओ डेंजर आ गया है, हम इसको लड़ेंगे या हम इससे भागेंगे, ठीक है? ये दो होते हैं यूजली। अब ये बताएं कि अगर आप भाग नहीं सकते और अगर आप फाइट नहीं कर सकते, कुछ भी रीज़न हो सकता है, शेर बहुत बड़ा है, मैं उससे फाइट नहीं कर सकती और यहाँ पे मैं केज में फंस गई हूँ, मैं बाहर नहीं भाग सकती, तो फिर क्या होगा? फ्रीज हो जाता। ये हुआ है किसी के साथ, छोटी छोटी उसमें भी होता है, मतलब बड़े हादसों में तो होता है, लेकिन छोटी छोटे मोमेंट्स में भी होता है कि जब मुझे कोई एकदम राइट फ्रीज रिस्पॉन्स, ठीक है?
चीज़ है आपकी नर्वस सिस्टम की, राइट, और ये हमें बताती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है अगर हमने वॉर किया तो, राइट, इतना ज्यादा ऊपर चले गए कभी कभी ये होता है बहुत तेजी बहुत तेजी बहुत तेजी और फिर तो ये नहीं है कि सिर्फ वो और वो अलग अलग है, हम एक दूसरे हम शिफ्ट करते हैं, हम कभी बीच में आते हैं फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे चले जाते हैं फिर वापस बीच में आते हैं, तो ये बहुत नेचुरल चीज़ है, हेल्दी चीज़ होती है इधर से उधर जाना, क्योंकि क्या होगा अगर हमारे पास वो है ही नहीं, अगर हमारे पास हम हर वक्त सेफ हो और हर वक्त सुकून में हो तो क्या होगा, लेट्स से कि हमारे पास ये रिस्पॉन्सेज है ही नहीं ऊपर वाला और नीचे वाला, फाइट फ्लाइट फ्रीज है ही नहीं, तो क्या होगा, कोई हार्ट अटैक के बताए, यस फीलिंग्स नहीं होंगी ऐसा साथ नहीं होंगे, और एक स्टैचू है मतलब एक जिंदा आदमी है उसके वो हमेशा सुकून की हालत में, ऐसा हो ही सकता हमको मैं भूल जाऊं कि नहीं मेरे साथ यही होगा, मैं बस सुकून में हर वक्त रहूंगी, ठीक है, लेट्स से मैं यहां से बाहर निकलती हूं एक गाड़ी आती है बहुत जोर से और मैं को सुकून में क्या होगा मेरे साथ, सो वी नीड दिस, ये हमें जरूरत है इन चीज़ों की, ये बुरी चीज नहीं है, ये बहुत सही चीज है बॉडी कि हम इन चीजों में चल जाते हैं, अगर मेरी बॉडी में अगर मेरा हार्ट रेस नहीं होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपना ख्याल रखना है, राइट, अगर मेरी बॉडी मुझे नहीं बताएगी कि डेंजर है तो मैं कैसे अपने आप को बचाऊंगी, तो इनका बहुत एक पर्पस होता है, राइट, बट क्या होगा अगर हम एक जगह पे फंस जाएं, डेंजर है या ना है मैं उस जगह पे फंस जाऊं, और ये बहुत होता है, क्या होगा, एब्सोल्युटली सोल्यूशन ढूंढने की एबिलिटी जो है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, पर इसकी साइंस क्या है अब इस पर बात करें कि सोचने की सलाहियत क्यों खत्म हो जाती है जब हम इन बहुत एक्सट्रीम स्टेट्स में होते हैं, या तो बहुत गुस्से की स्टेट में या बहुत घबराहट की स्टेट में या तो बिल्कुल डिप्रेस्ड की स्टेट में, तो वही मतलब ऊपर या नीचे, अगर हम ऊपर या नीचे होते हैं तो क्यों होता है ऐसे कि सोच जो है वो इधर उधर जा रही होती है और समझ कुछ नहीं आ रहा, सोल्यूशन कोशिश कर रहे हैं मिल नहीं रहा, क्या ये क्यों हो रहा है, ठीक है इसका आप थोड़ा सा बताते हैं हमको, शायद आप हमें पहले सुना हो दूसरे हमारे सेशन में, लेकिन थोड़ा सा हम इसको वापस से करते हैं, हमारी जो ब्रेन होती है, ठीक है अभी मैं अपना हाथ से आपको बताऊंगी कि ब्रेन में क्या होता है बहुत सिंपल तरीके से, ऑब्वियसली आपके ब्रेन में बहुत बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है ये आपका स्पाइन है, बैक, राइट, ये वाला जो पार्ट है ये आपका सबसे पुराना पार्ट है जहन का, पुराना पार्ट क्यों, जब हम लोग एवोल्यूशन मतलब जो चेंजेस आए ना हमें इंसानों में तब्दीलियाँ जो आती गई, लेकिन ये वाला पार्ट ब्रेन का उस वक्त से है जब से इंसान बना, क्योंकि उस वक्त हमारे पास शायद स्कूल्स और ये सब कुछ नहीं था, ठीक है सोसाइटी नहीं थी, उसको क्या था बस बचाना है अपने आप को, जानवरों से बचाना है दूसरे से बचाना है खाना चाहिए ये है, ठीक है तो इसको हम कहते हैं एनिमल ब्रेन, राइट, तो ये सबसे आपकी पुरानी जगह है और यहाँ पे आपका फाइट फ्लाइट फ्रीज यहाँ पे होता है, सो दैट इज द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, कि जब क्योंकि क्यों जब हम जब पहले के जब हाउ डू एक्सप्लेन ह्यूमन काइंड जब सिविलाइजेशन थी ना जब सिविलाइजेशन आई थी बनी थी तो उस वक्त हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी, हमें ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि सोचना क्या है हमें एक्ट करना है, तो ये सोचने से क्या होता है एक्ट नहीं होता, सोचोगी तो मैं इतना जल्दी एक्ट नहीं कर सकती ना, राइट, वही वाली बात है कि अगर मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ अपने दिमाग से सोच रही हूँ कि हाँ मैं सोच रही हूँ मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे मूव करना है ना, आई हैव टू मूव, मुझे अपनी बॉडी को मूव करना होगा अपने आप को बचाने के लिए, तो वो फाइट और फ्लाइट दोनों क्या होते हैं मूवमेंट बेस्ड है, फाइटिंग मूवमेंट, फ्लाइट रन अवे वो भी मूवमेंट है, फ्रीज जो है वो है बिल्कुल नो मूवमेंट, ठीक है,
तो ये जो है हमारे सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज है, इस जगह पे हमारा फाइट फ्लाइट फ्रीज रहता है, ठीक है। ये जो है मेरा थंब, इसको हम कहते हैं अमिगडला, जरूरत नहीं है याद करने की, लेकिन ये हमारे उसके ऊपर आता है। ये जो है ये हमारे एहसास को देखता है कि डेंजर है नहीं है, क्या हो रहा है, वो आपकी ब्रेन को बताता है कि अरे डेंजर है इधर। फिर हमें ऐसा साथ फील होता है, बस डर लगता है, राइट। तो जब डर लगता है तो वो इस वाली ब्रेन को बताता है कि अच्छा फाइट या फ्लाइट करना है अभी, ठीक है। ये वाला जो है मेरे फिंगर्स जो है ये इसके ऊपर आते हैं, ये पार्ट है आपका सबसे आपका सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन सिस्टम है, कॉन्शियस जिसको कहते हैं। ये जो है यहाँ पे आपकी सारी वो वाली चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं इंसानियत वाली चीज़ें, राइट। सोचना, समझना, बातें करना, प्लानिंग करना, डिसीजंस बनाना, फैसले बनाना, रिलेशनशिप जब हम किसी से बिल्ड करते हैं, वो सब कुछ इसमें है, ठीक है। और कोई इधर आता है और इस तरह से हमारी ब्रेन चलती है, सब एक दूसरे से मतलब बातें करते हैं, ठीक है। होता ये है जब हम उस वाले स्टेट में जाते हैं हाइपर अराउज़ल, इसका मतलब क्या है कि मुझे लगा कि कोई डेंजर है मेरे पास। अब डेंजर हो सकता है कि एक्चुअल डेंजर है, गाड़ी आ रही है, झगड़ता है, वो है असल किस्म का डेंजर। मगर एक और किस्म का डेंजर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये देखा, ठीक है, ये ब्लू कलर है, ये डेंजरस है आप लोगों के लिए? नो। लेट्स से कि मेरे ज़िंदगी में कुछ हुआ और ब्लू कलर जो है मेरे लिए डरावनी है, तो मैं इसको देख के मुझे मेरी बॉडी वो ही तरीके से रिएक्ट करती है जैसे कि अगर टाइगर सामने हो, बात हुई है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल डेंजर, असल डेंजर या डेंजर जो मैं खुद समझती हूँ कि डेंजर, दोनों तरीकों में क्या होता है, जैसे वो डेंजर सामने होता है इसको हम कहते हैं ऊपर उड़ाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्लिप द लिड, ऊपर उड़ाता है, ठीक है। फ्लिप द लिड का मतलब क्या है कि मैं अब नहीं सोच सकती, देखिए ये वाला पार्ट क्या था, सोचता है, सोचने वाला पार्ट, आपका थिंकिंग ब्रेन इसको कहते हैं, ठीक है, सोचने वाली ब्रेन जो है वो ऊपर चले जाती है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है कि डेंजर 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 डेंजर, अब ये जो है इसने ऊपर कर दिया उसको। इस वजह से हम सोच नहीं सकते जब हम वो स्टेट में होते हैं, और आप जितना ट्राई कर लें नहीं होगा, इसीलिए हम क्या होता है स्पाइरल में जाते हैं, घबराहट होती है, फिर सोचते हैं इसको कैसे ठीक करें, फिर और घबराहट होती है, फिर और सोचते हैं, फिर नहीं होता, और घबराहट होती है, और हम लूप लूप में फंस जाते हैं, ठीक है। अगर हम उस मोमेंट में रुक जाएं और पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करें ताकि हम येलो वाली जगह में आए, पहले तो खिड़की में आना है। जब तक खिड़की में नहीं आएंगे तो सोचने की सलाहियत नहीं है, साइंटिफिकली आप इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है, राइट। आप उसको बदल नहीं सकते, आप जितना कोशिश करें सोचने की, जितना कोशिश करें, मैं इससे अगर मेरी और मम्मा की लड़ाई होती है तो हम अगर इस स्टेट में हैं, रेड वाले स्टेट में, तो क्या होगा, हम बस करते रहेंगे कीप फाइटिंग, कोई सोल्यूशन नहीं बनता उससे, सही है। हमें ये नहीं करें कि आप नहीं कर सकते, आप ज़रूर करें, लेकिन चॉइस के साथ करें, सही ना, चॉइस के साथ करें कि हाँ मैं अभी हूँ उस स्टेट में और मैं ऐसी स्टेट में रहना चाहती हूँ, बस, ठीक है, आपकी चॉइस है। लेकिन ऑब्वियसली आपको उधर नहीं रहना होगा क्योंकि वो जगह इतनी मज़े की नहीं होती है, राइट। तो हमें सबसे पहले खिड़की के अंदर आना है, जब तक हम खिड़की के अंदर नहीं आएंगे तो हम सोच नहीं सकते सही से।
क्या बात कर रहे थे तो मैं अब थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताऊँगी कि मुझे ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, इसलिए नहीं बता रही थी कि वो मैं मुझे ज़्यादा पता है मैं आपको बता नहीं, मैं इसलिए बता रही थी कि ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, मुझे इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरी नेचुरली मैं ऊपर वाली जगह में रहती हूँ बहुत, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये, इसी वजह से मेरा काम भी बहुत होता है, मैं हर जगह भाग रही होती हूँ और हंसती हूँ, ये सब ऊपर वाली जगह पर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, क्या होता है अगर मैं उस जगह पर रह जाऊँ और मैं वापस ना आऊँ येलो वाली खिड़की में, तो फिर मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हूँ दिन के बाद। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना ख्याल ही नहीं रखा, राइट। तो अब मैं क्या करती हूँ, ठीक है मुझे पता है कि मेरे लिए वो जो रेड वाली जगह है वो मेरे लिए बहुत ही फेमिलियर, तो क्या कहेंगे जानी पहचानी है मेरे लिए। आप लोग भी सोचें कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जानी पहचानी कौन सी जगह है इसमें से, ठीक है, क्योंकि कोई कोई लोगों के लिए नीचे वाला जो स्टेट है वो बहुत ही जानी पहचाना होता है, और ये चीज़ें डिसाइड होती हैं बचपन में कि हमें कौन सी जगह पर जाना पड़ा अगर बचपन में, और ये बहुत हैवी बात है, ठीक है, लेकिन हमें ये सोचना है कि ये हमारी गलती नहीं है, जो भी हमारे साथ हुआ ज़िंदगी में, जो भी हादसे हुए, डेंजर आया, तो हमें कौन सी जगह पे जाना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। तो अगर मुझे बार बार फ्रीज होना पड़ा क्योंकि मैं फाइट और फ्लाइट कर ही नहीं सकती थी एज अ बच्चा, ठीक है, मुझे मैं कर ही नहीं सकती, मेरे पास ना तो कोई ऑप्शन ही नहीं था फाइट और रन अवे का, मैं भाग नहीं सकती थी और मैं लड़ाई नहीं कर सकती थी। तो फिर क्या होगा कि मैं अपना अपने आप को बचाने के लिए मैं फ्रीज करूँगी, उस पर मैं आई डोंट कंट्रोल दैट, मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं बड़ी होती हूँ तो वो वाला स्टेट मेरे लिए सबसे ज़्यादा जाना पहचाना होगा, तो मैं उधर ही जाऊँगी बार बार, जैसे ही कोई स्ट्रेस होगा तो मैं फ्रीज में चले जाऊँगी। कोई रिलेट कर सकता है इससे? सारा मैंने शेयर सुन लिया। जैसे मैं ना बहुत ज़्यादा, जैसे आपने एक्सप्लेन किया ना हाइपर अराउजल स्टेट में बहुत सभी ना बहुत ज़्यादा प्रो एक्टिव आल्सो, राइट। अच्छा, दिस इज नॉट अ बैड थिंग, क्या बॉडीज में एक ग्रेडर वन मेडलिस्ट, तो मुझे लगता है कि मेरा एक परफेक्शनिस्ट बेंच मार्क है, और पता नहीं किसी को प्रूव करने के टेक्निकली मैं कोई भी नहीं है, लेकिन अपने आप को क्योंकि बेंचमार्क हमें खुद ने अपने लिए सेट किया हुआ है, तो उसको अचीव करने के लिए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल में रहते हैं। बट दिस ईयर आई फेल रियली इल, और मुझे नहीं लग सकता था कि मैं कभी दो महीने तक व्हील चेयर पर आ जाऊँगी और बेड पर होंगी, और मैं एक ब्रश भी नहीं कर सकूँगी। तो उस दो महीनों में जब तक कि मैं रिकवर कर रही थी, तो मैंने रियलाइज किया कि बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव और इससे मैं बहुत ज़्यादा डाउनफॉल, बहुत ज़्यादा, एक साल आप बहुत एक्टिव रहते हो, इतना नहीं बुरा आप डाउन हो जाते हो, और फिर उसके बाद से और सबीना जी की मुस्तकिल मेंटरशिप से आई हैव रियलाइज कि पॉज बहुत ज़रूरी है, पॉज, और पॉज इज दिस विंडो ऑफ टॉल, पॉज इज द खिड़की है, मैं खिड़की में आ नहीं सकती जब तक मैं पॉज ना करूँ। और पॉज से क्या होता है, रुकने से क्या होता है, मैं अपनी बॉडी को सिग्नल दे रही हूँ कि अच्छा सब ठीक है, बिकॉज जब डेंजर होता है तो हम रुकते नहीं हैं एक्चुअली, राइट। जब दो चीज़ें हैं, जब डेंजर होता है हम रुक के गौर नहीं करते क्योंकि हमारे पास उसका टाइम नहीं होता, ठीक है, जब डेंजर होता है तो बस जल्दी जल्दी एक्ट करना ताकि अपने आप को बचा सकें। तो जब आप रुकते हैं और नोटिस करते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, बैठी मैं रुकी, मैंने तीन सांस ली और मैं देखती हूँ कि मेरे जिस्म में क्या हो रहा है, ठीक है। अभी मेरे जिस्म में थोड़ी सी हार्ट बीट तेज़ है क्योंकि मैं आप लोग के लिए प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं एक्साइटेड भी हूँ, मैं थोड़ा सा घबरा भी रही हूँ, ऑब्वियसली नेचुरल होता है इतने सारे लोगों से बात करने के लिए। तो मेरा हार्ट जो है वो थोड़ा तेज़ है अभी, नॉर्मल से ज़्यादा तेज नहीं है, थोड़ा सा तेज़ है, क्या मेरी आँखें थोड़ी बड़ी हुई हैं अभी क्योंकि मैं सबको देख रही हूँ। तो ये सब मुझे बता रहा है कि वो कुछ है इधर। अब मैं उसको अगर लव्स में लेबल करूँ तो क्या होगा, वो मैंने जैसे कहा घबराहट और एक्साइटमेंट और खुशी, तीनों चीज़ें हैं इधर, ये चीज़ें जब मैं नाम लेती हूँ उनका तो मुझे रुकना पड़ता है, राइट। और जब हम ये करते हैं तो हम अपनी ब्रेन को, अपने जहन को एक सिग्नल दे रहे हैं कि सब ठीक है, और ये खुद हो रहा है।
और जितनी दफा हम ये प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ये वो हो जाएगा, मतलब फिर ये फिटी जो है ये भी जानी बचानी हो जाएगी, अभी नहीं होगी शायद, राइट? एंड दैट्स ओके, क्योंकि व्हाई इट्स ओके व्हाई, क्योंकि आपकी गलती नहीं है कि आपको कहाँ पे रहना पड़ा था अपने आप को बचाने के लिए, मगर अब आपके पास वो है चॉइस कि आप बार 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 आए फिटी में, और ये प्रैक्टिस है इसका मतलब. अब मैं इसको 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है, माइंडफुलनेस हर रोज वाली माइंडफुलनेस, ये नहीं कि 1 घंटे के लिए माइंडफुलनेस करके वापस आ जाऊँ, नहीं, जिंदगी की माइंडफुलनेस, ठीक है, मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी तक हर रोज मैं ऊपर जाती हूँ और नीचे जाती हूँ, लेकिन वापस खिड़की में आती हूँ, फिर वापस चले जाती हूँ, फिर वापस खिड़की में आती हूँ. तो प्रैक्टिस है ही इसकी, प्रैक्टिस है कि हम किस तरह से फ्लो करें इन स्टेट्स में से, बाहर अंदर बाहर अंदर, कि हम कहीं पे स्टक ना हो जाए. सारा मैं क्योंकि बहुत मैं नई चीज़ बहुत एक अलग तरीके से सुन रही हूँ आज, और एक वाक्य पूरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है कि एक ही वाक्य के अंदर इतने सारे स्टेट्स में होकर निकल के आई, फिर स्टेट में गई, फिर निकल के आई. आपको तो खैर पता ही है वो वाक्य, लेकिन सब आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि मेरे घर में डकैती हुई थी. तो जब मैं दरवाज़ा जैसे मैंने खोला ना, मेरे दरवाज़ा खोला तो सामने जैसे दरवाज़ा खोला ना तो ऐसे बंदूक थी यूँ हेड पे, मैं उसको फ्रीज हो गई थी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ. और जब मैंने उसके कंधे के ऊपर से देखा तो क्योंकि मेरी जो मेड थी जिसको मैं, क्योंकि मैं गई हुई थी कुछ काम करने के लिए और मैंने उसको कहा था मेरा बच्चा सोया हुआ है झूले में, इससे छोटा जो है वो झूले में था 1.25 साल का, तो उसकी गर्दन पे चाकू रखा हुआ था. तो ये मेरे लिए वो वाकया बहुत ही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा. तो वो जो मैं अभी जो सारा बता रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस तकरीबन 3 से 3.5 घंटे वो मेरे घर में रहे, उस पूरे 3 से 3.5 घंटों में मैं मुस्तकिल ऊपर नीचे और बीच में आ रही जा रही थी. फ्रीज में हुई जब उसने मुझे यूँ देखा, और इंस्टेंटली फ्रीज होने के बाद जो है वो मुझे ये हुआ कि मुझे फाइट करना है, क्योंकि अगर मैंने ज़रा भी कुछ ऐसी चीज़ की तो वो जो मेरे ऊपर तो थी वो, तो वो उस वक्त नहीं फील हो रहा था जितना वो फील हो रहा था पीछे, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, और दिमाग जैसे फाइट करने का सोच रहा था कि इसको फाइट कैसे करना है. तो वो फिर नेचुरली उसको 2-3 घंटे वो किया, और उसके बाद जैसे ही वो जो कुछ भी उनको करना था काम, जो सामान ले जाना था या जो कुछ भी हो गया उनका सारा काम, तो उन्होंने जैसे ही नीचे उतरते घर से जाने लगे ना, तो उन्होंने कहा कि हम नीचे ही बैठे हुए हैं, घर मेरा दो स्टोरी है, घर नीचे ही बैठे हुए हैं हम, अगर तुमने मूव भी किया, तुम हिली भी, कुछ भी किया, फ़ोन उठाया कुछ भी, तो हम वापस आके तुम्हें शूट कर देंगे. लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरे ना घर के नीचे, तो मैं फ्लाइट में आ गई थी, फौरन भागी, पहले बेबी को उठाया, गोद में उठाया, दरवाज़ा बंद किया, बेडरूम में गई, लॉक किया सारा, फ़ोन उठाया, कॉल्स करनी शुरू कर दी पुलिस को, इसको, मतलब जैसे भागी ना मैं उस जगह से. मुझे यकीन करें जितनी देर आप ये बात करिए ना, मुझे वो दो वाक्य एक ही और एक वो वासिक का जो उसमें भी वही तीनों विंडोज में से आना जाना. और फिर मैं ये समझती हूँ कि शायद पीली विंडो की थोड़ी प्रैक्टिस की, इसीलिए मैं एक में से निकल के दूसरे में और दूसरे में से निकल के. लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मेरा रेड और ब्लू जोन ना होता तो मैं क्या करती. मैं कहती मैं तो अभी मेडिटेट कर रही हूँ, सॉरी. आई मीन इट वॉज नीडेड, दैट रेड जोन वॉज नीडेड, वो जो जिसको हम कहते हैं हाइपर अराउजल, उसकी ज़रूरत थी मुझे उस वक्त. तो ये पूरा जहन में मेरे सब वही पूरी सीन चल रहा है लिटरली. मैंने कभी इस तरह से दिस होल पिक्चर इज गोइंग टू नाउ स्टिक विद दैट वाकया जो हुआ था, और बहुत ही टर्निंग पॉइंट बड़ा वो ज़ाहिर ज़िंदगी का था. इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि वो अब उस येलो पार्ट में रहकर बाद में मैंने उस वाक्य से निकल के बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें चेंज की. पूरा अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन मैंने उस वाक्य से चेंज किया. वो शायद वरना वो मेरे लिए एक स्टिग्मा बन जाता है ना, मैं उसको जब भी सोचती तो बात उसके बारे में नहीं कर पाती. लेकिन या इट्स वंडरफुल, ये मैंने इस तरह से कभी भी नहीं सुना है, दिस इज न्यू. थैंक्स, इट्स सो नाइस टू हैव अ विजुअल, राइट, दैट यू याद रख सकें. याद आ रहा हूँ ये बात के जिसके ऐसे को आ रहा है, ठीक है. मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने लिए हमदर्दी बहुत ज़रूरी है. जब तक आपको अपने लिए हमदर्दी नहीं, और मैं ये भी कहूँगी कि हमदर्दी अपने लिए प्रैक्टिस होती है, खुद ब खुद नहीं आती,
स्पेशली हमारे सोसाइटी में नहीं होती, क्योंकि कोई नहीं बताता हमें कि हमदर्दी अपने साथ कैसे करनी है। लोगों के साथ तो करनी है, ठीक है, लोगों के साथ करनी है हमदर्दी, ये तो बहुत लोग बताते हैं हमें, अपना इस्लाम भी, इस्लाम तो हमें बताता है कि अपने आप से भी हमदर्दी करनी है, लेकिन कोई समझाता नहीं कि कैसे, ठीक है। तो आप लोगों की गलती नहीं है कि आपको आता ही नहीं है। मैं तो काफ़ी लास्ट आई थिंक 2 साल पहले मैं ये क्वेश्चन अपने आप से कर रही थी कि सेल्फ कंपैशन होता क्या है, अपने आप से हमदर्दी करना, हम बात तो करते हैं क्योंकि ये होता क्या है, क्या होता है मुझे नहीं पता था। तो इसमें मैंने बहुत गौर किया, मैंने प्रैक्टिस की, और शुरू में बहुत अजीब लगता है क्योंकि हम नए हैं यूज टू। तो अभी जो हग जो मैंने किया था अभी, वो एक किस्म का हमदर्दी है अपने साथ, राइट। तो जो वाक्य आपको भी याद आ रहे होंगे, जो भी ज़िंदगी में हुआ है वो आ रहे होंगे, क्योंकि जब हम इस पर बात करते हैं तो वो नेचुरली याद आती हैं चीज़ें कि उस टाइम पे मैंने ये किया, उस टाइम पे मैंने वो किया। तो अपने साथ हमदर्दी रखें और आराम आराम से उस पर गौर करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको कुछ ना कुछ बता रही हैं, इससे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे, राइट। और ये भी है कि इसको आप, इससे आपको ये समझ आएगी कि क्यों आप अभी तक इन स्टेट्स में चले जा रहे हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर नहीं होते तो हम अपने आप को बचा ही नहीं सकते इनको, इसीलिए हम कहते हैं सर्वाइवल रिस्पॉन्सेस, राइट। सो वी नीड देम, लेकिन कभी कभी वी डोंट नीड देम और फिर भी हम उधर होते हैं, तो वो है, उसके बारे में भी बात होती है। तो जब आपको ज़रूरत नहीं है, डेंजर नहीं है, फिर भी हम उस स्टेट में हों, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई हमारे पास चॉइस होती है उसको? और वो चॉइस नहीं आएगी जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि हाँ, पहले तो नंबर वन हो रहा क्या है, कुछ करने से भी पहले, राइट, आपको पहले देखना है कि हो रहा क्या है, और करना होगा। दो चीज़ें इसमें, जिस्म में क्या हो रहा है उसको आप अपने लफ्ज़ों में अपने आप को बताएं कि अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसको आप वो नहीं करेंगे कि क्यों हो रहा है, ये नहीं, क्यों जैसे कहता है कि ये आपके दिमाग की चीज़ है, तो उसको नोटिस करें, अच्छा ठीक है, मेरा दिमाग बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं, आपने देख लिया दिमाग आ रहा है बीच में, उसको रहने दें, उसकी वॉल्यूम नीचे कर लें दिमाग की, और वापस आए जिस्म में कि जिस्म में क्या हो रहा है, ठीक है। और अपने आप को बताएं, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे इतना आपको समझ आएगा कि आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स क्या है स्ट्रेस के साथ, और जितना आपको पता चलेगा अपने बारे में उतना आप प्रैक्टिस कर सकोगे कि अच्छा अभी मैं इस जगह पर हूँ या इस जगह पर हूँ तो मैं किस तरह से खिड़की में आ सकूँ। और हम बात करते हैं अभी कि खिड़की में आने के क्या तरीके, मगर मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी दो तीन चीज़ों को ऑलरेडी बताऊँगी, क्योंकि सबके अपने तरीके होते हैं जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं इसके बारे में कि हम इसलिए कर रहे हैं या सुकून क्यों मिलता है इस चीज़ से, क्योंकि हम खिड़की के अंदर आ जाते हैं वो चीज़ से, जो भी वो चीज़ हो, राइट। आई वॉन्ट टू पॉज फॉर अ सेकेंड, कोई किसी के बात को या कोई कॉमेंट या कोई फीलिंग जो आपको शेयर करनी हो तो अभी मौका है। Yeah.
आपने किसी से बात की, कोई कोई ऐसे इंसान से जो आपकी बात सुनेगा, ठीक है, सबके पास नहीं होता ये इंसान, किसी किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता, बट ये एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, तो हमें सारे तरीके अपने बॉक्स में डाल के अपने साथ लेके जाना है, ताकि हमारे पास ऑप्शन हो ना कि अच्छा मैं किसी से बात कर सकती हूँ, मैं अपने आप को हक कर सकती हूँ, मैं सांस ले सकती हूँ, मैं उस जगह से हट सकती हूँ, लेकिन इस सब चीज़ों का पर्पस क्या है कि पहले मैं खिड़की में आऊँ ताकि मुझे कोई गुंजाइश तो हो किसी चीज़ की सोचने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उन्होंने जाके किसी से बात की, आपकी उससे घबराहट थोड़ी सी बेहतर हुई, आपने सोया, सोना सोना भी एक बहुत अच्छा तरीका है अंदर आने के, लेकिन बात वो है कि लेट्स से कि आप बहुत सोते हैं क्योंकि आप उस वाले जगह पे हैं, नीचे वाली जगह में, क्योंकि नीचे वाली जगह में क्या होता है, कोई एनर्जी नहीं है ना, जब एनर्जी नहीं होती तो क्या होता है, हम सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, और ये डिप्रेशन में होता है, जिन जिन ने ये एक्सपीरियंस किया है उनको पता है कि ये होता है डिप्रेशन में, बस सोने का दिल जाता है ताकि किसी चीज़ से मुझे नहीं इंटरेस्ट, राइट। तो फिर अगर आप उस जगह पे हैं और आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं सो जाऊंगा और, तो शायद उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें फिर क्या करना है, थोड़ा सा ऑपोजिट करना है, मैं थोड़ा सा उठ के एक वॉक पे चले जाऊंगी, तो उससे शायद हम खिड़की में आ जाएंगे। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग की जिंदगी में कौन से तरीके हैं जिससे आप लोग खिड़की में आते हैं, सबके अपने होते हैं, कोई आता है जल्दी से दिमाग में, और जब उस स्टेट में होती है फाइट रिस्पॉन्स वाला, नहीं मुझे चाहिए अभी चाहिए, क्या हुआ, तो उसमें मुझे सोल्यूशन नहीं होता, इवन दो यही चीज होती है, जब हम उसमें होते हैं तो हमें चाहिए सोल्यूशन, ये एक साइन है, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न हो गई हूँ कि मुझे यही करना है, तो ये एक मेरे साइन है कि मैं अभी खिड़की में नहीं हूँ, क्योंकि खिड़की में जब होते हैं तो क्या होता है, अब खिड़की के बारे में बात करते हैं, जब खिड़की में होते हैं ना तो आपको चीज़ें नज़र आती हैं, तो ये भी हो सकता है, 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 लेकिन जब मैं ऊपर या नीचे हूँ तो मुझे सिर्फ इतना नज़र आता है, ये आप रिलेट कर सकते हो इससे, ये कितना होता है, जब हम घबराहट या गुस्से में होते हैं तो सिर्फ इतनी सी चीज़ नज़र आती है, लेकिन अगर हम पहले खिड़की में आए, पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, ताकि आपकी बॉडी आपके जहन को सिग्नल दे कि हम सही हैं, फिर आप सोचें तो शायद कुछ और सोचने में आएगा, ट्राई करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, इस पर एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि जो मैंने आज बोला है क्या वो सही है कि नहीं, तो खुद करें इसको टेस्ट, ठीक है। तो क्या क्या तरीके हैं, हमने थोड़ी से तो बात की, और क्या तरीके हो सकते हैं अंदर आने के लिए, विंडो में अंदर आने के, पानी पीने से, पानी पीना, मेडिटेशन, आपको एक चीज़ ऐसी खा लो जो आपको पसंद है, इट डज हेल्प, छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत हेल्प करती हैं, थोड़ी देर अकेले बैठ जाना, उससे क्या होता है, पर अकेले बैठ जाने से क्या हो रहा है, वापस साइंस पे आते हैं, ठीक है, अकेले बैठने से क्यों बेहतर हो जाता है कभी कभी, अगर बहुत गुस्सा आ रहा तो अकेले जाके बैठ जाते, तो वो क्यों हम खिड़की में आ रहे हैं, क्योंकि हम डेंजर को थोड़ा सा कम करें ना अकेला बैठ के, तो वो बॉडी जो है रिलैक्स होती है स्लोली स्लोली, तो फिर वो आपकी जहन को सिग्नल देती है कि अच्छा सब ठीक है, तो वो हम विंडो में आ जाते हैं, क्या किसी ने अभी सिंगिंग के बारे में बोला, क्या बोला, जोर से गाना गाना, अब इसका भी साइंस बात करते हैं, वैसे क्या होता है ये, क्यों हमें अच्छा लगता है जब हम गाना गाते हैं, या जब हम डांस करते हैं, या जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम मूव करते हैं, जब हम हिलते हैं, तो क्यों अच्छा लगता है, इसके अलावा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, एनर्जी जो एक्स्ट्रा, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा एनर्जी, ये रिमेंबर करें कि ऊपर वाली जो स्टेट है उसमें हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और अगर हम वो एक्स्ट्रा एनर्जी को इधर ना लगाएं और निकाल दें तो फिर इधर नहीं आती,
नीचे तो फिर हम खिड़की में आ जाते हैं। इसीलिए हिलना, किसी भी किस्म का हिलना, डिस्चार्ज करना, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उससे हम खिड़की में आएंगे पहले, फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। तो हमारी प्रायोरिटी थोड़ी सी बदल गई है इसमें, ठीक है। वट मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक एक चीज़ ऐड कर दें अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी करने से पहले सोचें मैं कौन सी जगह पर हूँ, और अगर मैं ऊपर या नीचे हूँ तो कोई और चीज़ कर सकती हूँ मैं अपनी खिड़की में आने के लिए पहले, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है, फिर मैं जाके बात करूँगी अपनी उस टीचर से जो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, फिर मैं जाके उस बच्चे से बात करूँगी जो मुझे बहुत तंग करता है, मगर पहले मैं खिड़की में तो आता हूँ थोड़ा सा भी। देखो हम परफेक्ट नहीं है, हम हर वक्त नहीं हो सकते उस खिड़की के अंदर, लेकिन जितना कोशिश करेंगे आने की बार बार उतनी प्रैक्टिस होगी। तो सिंगिंग की बात करते हैं, ठीक है। जब एक एनिमल, जब कोई आपने कभी देखा है उस एनिमल को, उस जानवर को जो बहुत डर के बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, कभी कहीं टीवी पे या कहीं देखा है, स्टोन फिश होती है, पॉसम होता है, बहुत मजे से वो कहते हैं जो फ्रीज है, या तो जानवर जो है वो डेड प्ले करता है, फ्रीज हो जाता है ताकि उसको कोई खाए नहीं, ठीक है। वो ऐसे हो जाता है कि ताकि उस दूसरे जानवर को लगे कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ ताकि मैं बच जाऊँ। हम भी यही करते हैं, प्लीज, ठीक है। अब गाना गाना ऑपोजिट हुआ ना, जब मैं डेंजर में होती हूँ तो मैं बिल्कुल चुप हो के छोटी और रुक जाऊँ, मैं मूव नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतना डर गई। जब हम ऑपोजिट चीज़ करते हैं ना उसकी, डांस करना ऑपोजिट हुआ ना उसका कि मैं डरी हूँ, सिंगिंग करना ऑपोजिट हुआ उसका, तो क्या हो रहा है इसमें, आप जब गाना गाते हो या आप जोर से इनहेल करके जब आप एक्सहेल करते हैं हाँ, राइट, ये क्यों हेल्प करता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वापस से सिग्नल दे रही है जहन को कि हम ठीक हैं, क्योंकि क्या रिमेंबर द एनिमल जो कि बिल्कुल चुप हो जाता है, अगर हम चुप होकर बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं स्ट्रेस हो रही हूँ, वो भी नहीं स्ट्रेस होगा भी नहीं, वो लगेगा कि स्ट्रेस हो रहा है। जैसे ही आप सिंगिंग या डांसिंग शुरू करते हैं तो क्यों खुशी होती है, क्योंकि आप ऑपोजिट कर रहे हो, आप अपने बॉडी के थ्रू अपने माइंड को बता रहे हो कि मैं सही हूँ, मैं सेफ हूँ, क्योंकि अगर मैं सेफ नहीं होती तो मैं गा नहीं सकती, अगर मैं सेफ नहीं होती तो मैं मूव नहीं कर सकती। तो हम अपनी बॉडी को यूज़ करें ना, इतनी अच्छी चीज़ हमें दिया जा रही है ना, हम उसे यूज़ ही नहीं करते, तो अपनी बॉडी के थ्रू अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखें, ये है। और इस चीज़ को याद करके कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं कैसे फिर भी वापस आ सकती हूँ, और ये भी गौर करिएगा अपनी ज़िंदगी में कि आप लोग ऑलरेडी क्या करते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं खिड़की में आने के लिए, कोई देगा एग्जाम्पल मुझे, जैसे आपने कहा सिंगिंग और कुछ अंदाज हो सो, इसके अलावा घर में अक्सर भाइयों के साथ अगर बड़े भाई के साथ कभी फाइट हो जाए तो वो डायरी डाल पे होते तो आप उनको जवाब नहीं दे सकते, फाइट नहीं कर सकते, तो मैं फौरन से वहाँ से हट कर अपने मिरर के सामने लगी, मेरी आदत बन गई थी, दरवाज़ा खोलती तो सामने मिरर, तो मैं अपने चेहरे को देखती बालों को खोल के यूँ यूँ चेहरे को यूँ 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 करके हाँ ठीक लग रही हूँ, मतलब अपने आप को रिलैक्स करती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद सोचती हूँ कि हाँ मैं जाती हूँ सॉरी। और कभी जब दिल चाहता है कि मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है तो फिर मैं, मेरे पुराने लोग पुराने लोगों को पता है मैं अक्सर रेड लिपस्टिक लगाती हूँ, वैसे मैं लिपस्टिक ही लगाती, वैसे ही जब मेरे पास तीन चार है तो वो मैं लगा के ना अपने आप को मिरर में देखती हूँ, क्योंकि वो डार्क कलर होता है तो वो अच्छा भी लग रहा होता है, तो मैं अपने आप को फील करती हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ। लेकिन अब हर चीज़ में हाँ अच्छी कंपनी के साथ होना वो भी आपको खिड़की में लाएगा। ऐसे कोई कोई लोग होते हैं जो कि आप सोच रहे होंगे अभी कि ऐसे कोई लोग होते हैं जिनकी कंपनी में बैठ के बड़ा सुकून मिलता है खिड़की में हम बैठे होते हैं, और कोई कोई लोग होते हैं जिनकी कंपनी में हम हर वक्त कोई और जगह होते हैं, मतलब कुछ हो भी नहीं रहा फिर भी एक एनर्जी होती है। और अपने बारे में सोचिए आप कैसे हो,
कि आपके साथ कोई तो क्या होता है ये जब जानवर को हाथ लगाते हैं हम तो ये भी एक तरीका है खिड़की में आने का क्योंकि क्या होता है वो जो एक हमें फीलिंग आती है ना वो एक कनेक्शन की फीलिंग आती है और कनेक्शन जो है अच्छा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कनेक्शन आपकी उसमें हो ही नहीं सकती दूसरे वाले स्टेट्स में कनेक्शन समझते ना या तो अपने आप से कनेक्शन या किसी और से कनेक्शन लेकिन वो दोनों चीज़ें उन स्टेट में हो नहीं सकती क्यों क्योंकि उन स्टेट्स में आप सिर्फ क्या क्या चीज़ के बारे में सोच रहे हैं बचना कैसे और अगर आप बचना कैसे के बारे में सोच रहे हैं तो आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं हो ही नहीं सकता तो इसका मतलब ये है कि आप सब अगर आपकी कोई ना कोई कनेक्शन है या तो अपने साथ या किसी दोस्त के साथ या किसी फैमिली के साथ इसका मतलब ये कि आप खिड़की में आ चुके हो क्योंकि वो खिड़की के अलावा कनेक्शन होती नहीं है वहाँ पर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि अपने आप को बचाना कैसे बहुत एक खतरनाक सी जैसे विजन आती आ रही है के बच्चों को छोटे बच्चों को जब जब वो हाइपर अराउजल स्टेट में होते हैं तो चीज़ें फेंक रहे होते हैं या अपना एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उनकी माँ या कोई भी जो उनका प्राइमरी केयर गिवर है वो उनको खूब मारना शुरू करके उनको ब्लू स्टेज में ले जाता है बगैर खिड़की को जंप करके रेड से ब्लू ब्लू से रेड रेड से ब्लू ब्लू से रेड ये मुस्तकिल अगर एक साल दो साल चलता रहे तो वो तो आदतन हर वक्त या तो रेड में रहेगा या ब्लू में उसने तो कभी एक्सपीरियंस ही खिड़की को नहीं किया ना और ये तो बहुत है बच्चे और हम खुद भी होंगे हम जब बच्चे थे तो कोई सो यार ये मुझे एक बात सॉरी मतलब कभी अगर हम आर्ग्यू करते हैं ना अभी इसने बात की कि मैं मेरी और मम्मा की कभी लड़ाई हो जाती है तो अभी इसने ये बोला तो अभी मुझे इसलिए एकदम से ख्याल आया कि ये जब मैं बोलना शुरू करती हूँ ना तो ये क्यों आके मुझे ऐसे पकड़ लेती है जो एक मुझे एक गाना याद आ रहा है करवटे बदलते रहे सारी रात सुना है ना तो उसमें एक लाइन आती है कि जब मुझसे शिकायत हो तो मुझे गले से लगा लो यानी जब मुझसे ज़्यादा नाराज़ हो एक लाइन है उसके अंदर वो लाइन मुझे एकदम याद नहीं आ रही मगर वो लाइन है कि जब मुझसे शिकायत हो तो मुझे गले से लगा तो वो टच मिलता है ना आई गेस उससे हम काम हो जाते हैं खिड़की में आ जाते हैं असल में वो ये उस गाने में वो यही कह रही है कि खिड़की में नहीं जो हमने बात की अभी बच्चों के लिए कितनी जरूरी है कि जब वो गुस्से में होते हैं बच्चे या मतलब बात नहीं मान रहे होते हैं तो वो एक्चुअली उनका नर्वस सिस्टम सेफ नहीं फील कर रहा होता उस वक्त इवन दो वो आपको ये बता नहीं सकते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है कि वो सेफ नहीं फील कर रहे इसलिए तो वो बात नहीं कर सकते ना और ये जब तक बात करने के लिए क्या चाहिए ये चाहिए ये जो चीज़ ही थी तो ऊपर आती है ये चाहिए लेकिन अगर ये ऊपर हुआ है और कनेक्शन ही नहीं है कोई ब्रेन में उस वाली थिंकिंग ब्रेन से तो बच्चा कैसे बताएगा आपको कि क्या हो रहा है तो उसके लिए भी प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई ना आपकी कि बच्चे को पहले तो खिड़की में लाएं फिर उसको बताएं कि क्या गलत किया उसने यू सी बिकॉज अगर आप उसको ये बता रहे हैं कि उसने गलत क्या किया जब वो उस हाइपर अराउजल स्टेट में है उस स्पीडी है फास्ट हो रहा है तो उस वक्त उसका जहन थिंकिंग वाला है ही नहीं उधर कनेक्टेड ही नहीं है तो जो आप बात कर रहे हैं कोई बात नहीं जा रही उधर आप ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो अपना तरीका बदलें सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड करनी है कि पहले खिड़की में जाना है आपको भी और आपके बच्चे को भी ताकि कोई बात अंदर जाए ताकि कोई कनेक्शन हो सके ताकि वो जो ये चीज़ है ये वापस से दिलाए सही है समझ ये समझ आ रही है कोई चीज़ क्वेश्चन कोई आपको चीज़ जो कन्फ्यूजिंग हो एनी क्वेश्चन जब आपने कहा कि हम अपने साथ हमदर्दी रखें तो ये कुछ अर्से पहले मैंने ये फील किया कि जब हम ज़्यादा हमदर्द जिसे सेल्फ पिटी कहते हैं जी तो सेल्फ पिटी और अपने साथ हमदर्दी इसमें कुछ डिफरेंट है क्योंकि सेल्फ पिटी वो नेगेटिव वे में आ जाती है
और वो भी मैंने यहीं से सीखा कि जब हम सेल्फ पिटी छोड़ते हैं तो हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड आता है कि हम इतना कर सकते हैं तब हम कर रहे हैं, मतलब। और अगर अगर अपने ऊपर रहम खा कर हमदर्दी करते हैं तो हम वहाँ पर स्टक हो जाते हैं कि नहीं बस भाई मैंने तो बहुत कर दिया बस रहे। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है कि इसमें डिफरेंट क्या है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। सो सेल्फ पिटी जो है उसको आप कहते हैं कि अपनी हरी से विक्टिमाइजेशन, अपने आप पे अपने आप को मुजरिम समझना। हाँ, अपने आप को मुजरिम समझना, ठीक है। ये सबके सब रिलेट कर सकते हो इसमें, मैं भी कर सकती हूँ। मेरे साथ जब कोई बहुत कोई बुरी चीज़ होती है बैठ के बस मैं ही सब मुझे ही नहीं लफ बैठने ये होता है ना, ये है सेल्फ पिटी, ठीक है। विक्टिम करना, अपने आप को विक्टिम समझना कि मैं क्या था तो ये इसको अगर कनेक्ट करें हम विंडो से तो ये होता है जब हम खिड़की में नहीं होते तब, जब खिड़की से बाहर निकलते ना तो तब आपका दिमाग जो हो जाता है ऑल ओवर द प्लेस। फिर वो आपको बताता है कि आप ही तो मुजरिम हो, सब आपको ही नहीं पसंद करते और वो सारी चीज़ें चल रही होती। एक्सट्रीम थॉट्स, सब मुझे पसंद नहीं करते, सब कुछ खराब हो गया है, इतना कुछ कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, कोई और कुछ नहीं कर रहा। तो ये सारी क्या है, ऑल एंड नथिंग। बहुत बड़ी एक्सट्रीम जो थॉट्स होते हैं वो आपकी आती ही तब है जब आप खिड़की में नहीं होते। तो ये आपके लिए एक साइन है, इसको आपको फाइट ही करना है। अगर आप गौर करें कि अच्छा अभी आपका आपका दिमाग उधर जा रहा है, हाँ ओके अभी मैं खिड़की में नहीं हूँ, ओके ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता तो हो कि क्या हो रहा है, ये एक साइन है। विक्टिम मोड जो है वो ज़्यादा इधर होता है नीचे वाले में, नीचे वाले मगर ऊपर भी हो सकता है। देखिए कोई भी चीज़ ब्लैक और वाइट नहीं है, जो मैं कहती हूँ ये सब आपको लेना है अंदर, जो आपको समझ आ रहा है, जो नहीं समझ आ रहा है वो। कोई भी चीज़ जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सही नहीं है, कोई भी चीज़ 100% सही नहीं है, सब आपकी यूनिक चीज़ होती है। आप ये इन्फॉर्मेशन लेके जाओ और अपने ऊपर गौर करो कि आपकी क्या है उनको, ठीक है। और ये भी गौर करें कि वो जो येलो वाला हिस्सा है कितना बड़ा है या कितना छोटा है, सबका अलग होता है, सबकी खिड़की का जो साइज है वो डिफरेंट होता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी आप जितना भी स्ट्रेस दे दो वो कभी गुस्सा नहीं होते ना, तो मतलब वो क्या है उनकी विंडो बहुत बड़ी है, क्योंकि उन्हें किस हुआ होगा कुछ ना कुछ चाइल्डहुड में, उनको मिली होगी वो यू नो लेसन मिले होंगे या बहुत प्यार मिला होगा जो भी है, उनकी विंडो बहुत बड़ी होती है। फिर ऐसे लोग होते हैं जो कि उनको बस आप सिर्फ ऐसे करो तो उनकी बहुत छोटी विंडो होती है, राइट। सो समथिंग टू थिंक अबाउट कि आपकी मेरी विंडो क्या है, सोचें इस पर और गौर करें, एवरी डे देखें, अपने आप को ऑब्जर्व करो। जैसे कि एक साइंटिस्ट नहीं होता जो एक एक्सपेरिमेंट को देखता है, आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट समझो, अपने ऊपर गौर करो मैं क्या क्या हो रहा है। एक क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्या होता है, और अपने आप को जज करना दो अलग चीज़ है। जज करना क्या हो गया कि मैंने देखा कि हाँ मैं अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई हूँ, तो मैं अभी हाइपर राइज स्टेज में हूँ, ठीक है, मैंने गौर कर लिया। अब क्या होता है, एक समटाइम्स हमारा जो दिमाग है वो आके कहता है ये तुम तो वो ही खराब या तुम्हारे साथ तो होता ही है, ये क्या होता है, ये तजस्सुस तो नहीं है, ये कुछ और है, क्या है, नेगेटिविटी है, जजमेंट, राइट। अपने आप को जज करना हर चीज़, और ये हमारी नेचुरल चीज़ होती है, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको ख़त्म कर दें, मैं कह रही हूँ आप इसको भी ऑब्जर्व करो कि हाँ अभी जो है दिमाग आके जज कर रहे हैं, समझ आएगी बात, थोड़ी सी वो है एब्स्ट्रैक्ट सी बात है, लेकिन उसको भी ऑब्जर्व, क्योंकि आप अपने दिमाग को गौर कर सकते हैं और आप अपने जिस्म को भी गौर कर सकते हैं, आप जो है ऑब्जर्वर हो, ठीक है। हाउ डू एक्सप्लेन दैट, बिकॉज दिस इज माइंडफुलनेस आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग टू यू, हाउ डू यू से यू आर द ऑब्जर्वर, नहीं आपको समझ आ रहा है, आई मीन आप क्या कर सकते हैं ना, बहुत एग्जांपल्स हैं, ऑब्जर्वर होना कुछ और चीज़ है, ओके आई नो आई नो, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आप बात कर रहे हो मुझसे, मैं बात कर रही हूँ, पहली बात जो है वो ऑब्जर्व करनी है साइड पे, वो सब को देख सकती हूँ, मुझे भी देख सकती हूँ, आपको भी देख सकती हूँ, वो कमरे को भी देख सकती हूँ,
सो हमें ना रीबा बनना, हमें अपनी अंदरूनी जिंदगी में एक ऑब्जर्वर का उसका वो प्रैक्टिस करनी है कि, और होता क्या है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं ऑब्जर्व तो नहीं कर रही उसको, मैं तो बन जाती हूँ गुस्सा, यही होता है ना हमारे साथ, गुस्सा आता है मैं गुस्सा और मैंने क्या राइट, उदासी मैं बन गई उदास और मैं चलेगी अपने आप को अकेला करके 10 दिन के लिए किसी से मिली नहीं, मैं वही जो भी इमोशन आता है वो मैं खुद बन जाती हूँ, ये होता है राइट। हमें क्या प्रैक्टिस करना है कि आ गया इमोशन, उदासी गुस्सा जो भी है आ गया, अब स्टेप बैक, मैं इसको ऑब्जर्व कर सकती हूँ, मैं इसको देख सकती हूँ, मैं इसको, और जो हमने आज सारी बातें की हैं कि हम कौन से स्टेट में हैं, ये सब एक स्टेप बैक लेंगे तो ही देख सकते हैं ना कि हो रहा क्या है राइट। तो ये प्रैक्टिस है कि स्टेप बैक और देखें हो रहा क्या है तजस्सुस के साथ, इस तरह से नहीं कि क्यों कैसे कहाँ, ये जजमेंट है, ये दिमाग की चीज़ है, बड़ा अच्छा दिमाग इस पर क्यों कैसे कहाँ किधर ये सब कुछ, मगर ऑब्जर्व जो करता है ना वो ये नहीं कहता राइट। जब हम किसी चीज़ पर गौर करें तो हम अगर क्यों कैसे में चले जाए ना, तो मैं अब आपको देख नहीं सकती, मैं किसी और जगह चले जाती हूँ, तो हमें प्रेजेंट रहना है और ये प्रैक्टिस है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं हर रोज प्रैक्टिस। तो जो आप कह रहे हो कि हम सिर्फ ये देखें कि कोरा क्या है, सिर्फ ये, सिर्फ इतना सिंपल, मगर कितना मुश्किल, सोचो सोचे ना उसके बारे में, सिर्फ देखें, अपनी सोचों को भी देखें, लाइन ड्रॉ करें सोचने तक, तो एक दो चीज़ें क्विक क्विक मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, वेरी क्विक वन, अब ये बच्चों वाली आपको लगेगी लेकिन आई प्रॉमिस इतना साथ देती है ये एक्टिविटी मुझे, जब भी मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ, जब भी मैं खिड़की से बाहर निकल आती हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं 5 4 3 2 1, तो किया भी होगा आप लोगों ने शायद बच्चों के साथ, अभी करते हैं सब साथ। मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप अपने एयरगेट देखो और 5 चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है उसको नेम करें अपने आप, जैसे कि मामा, लैपटॉप, बैनर, ज़मीन, बॉटल, तो सोचे नहीं, बस बस 5 चीज़ें नेम करें क्विकली। हो गया, ठीक है, there are 4 things that you can feel in your sense of touch, तो मुझे अपने बाल फील हो रहे हैं इधर, मुझे अपनी कमीज फील हो रही है, मैंने माइक जो उठाया है वो फील हो रहा है हाथ पे, और मेरी जो ज़मीन पे पाँव है वो फील हो रहा है। अब आप करें 4 चीज़ें जो आपको हाथ में टच से महसूस हो रहा है और उसको नाम दें। अब 3 चीज़ें हैं जो आपको अब आवाज़ आई हो, तो एक मेरी आवाज़ है, 2 चीज़ें अब 2 चीज़ें जो आपको स्मेल आ रही हो, नाम लेके अपने आपको बताएं कि ये इसकी स्मेल आ रही है, थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ेगा सुनने के लिए, हो गया, मुश्किल है भैया, तो पॉज, अगर मैं आपको बातें करती रहूँ करती रहूँगी, अच्छा सुनिए सुनिए नहीं पड़ेगा राइट। अब एक चीज़ जो आपको टेस्ट आ रही हो, वो कोई एक ऐसा भी टेस्ट हो सकता है जो पहले का कुछ हो सकता है, बस थोड़ी देख ले, देखिए क्या टेस्ट आ रहा है मुझे, और एक चीज़ से नाम ले, क्या ओके अमेजिंग, हाउ इज दैट, कोई बताएगा कैसा था ये, इजी अच्छा था, माइंड डिस्ट्रैक्टिंग था, माइंड डिस्ट्रैक्टिंग, और एनीवन एल्स, मुझे लगा कि मैं डिस्ट्रैक्टेड माइंड से प्रेजेंट आ गई, एग्जैक्टली
डिपेंडिंग ऑन हाउ यू से राइट. बात तो वही है कि आपका माइंड जो है सोचों से डिस्ट्रैक्ट हो गया ना राइट, लेकिन प्रेजेंट आ गया ना. अभी मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं जल्दी करो, यू नो वहाँ से हट गई मैंने सारे प्रॉब्लम्स. तो ये बहुत ही आसान चीज है जो कि आपके पास हर वक्त है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास ना हो, आपकी फाइव सेंसेस आपके पास हर वक्त होती है नो मैटर क्या भी हो जाए. ठीक है, तो इन चीज़ों पे आप रिलाई कर सकते हो कि आपका एक टूल है खिड़की में अंदर आने के लिए. ये एक तरीका है, जिस तरह हम ये जैसे ही करते हैं एक मिनट के लिए आपने कुछ सोचा नहीं होगा, और अगर सोचा भी होगा तो आप शायद उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, तो जब आप अपने आप को उस खिड़की के बाहर ढूंढते हो तो ये भी एक तरीका है अंदर आने का. This is like quick exercise जो कि आप हर वक्त कभी भी कर सकते हो. एक और है जो कि हम हर वक्त कहते हैं बात सांस, राइट. हर किसी के लिए नहीं होता है, कोई कोई लोगों को सांस लेने से और टेंस बोलते हैं बाहर, एंड दैट्स ओके होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये होता है, इससे हम खेती में आ जाते हैं. वाई अगेन वही बात याद रखें, जब मैं लंबी सांस लेती हूँ तो मैं अपनी बॉडी से सिग्नल दे रही हूँ जहन को कि मैं सेफ हूँ. ये बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ है हमें जो करना है, हमें अपनी बॉडी के थ्रू अपने जहन को बताना है कि हम ठीक हैं ताकि हम सोच सकें. ठीक है, जैसे माशाल्लाह ये सांस लेने वाला जो है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब से अजान से कनेक्ट किया है ना, तो दिन में दो तीन जितने भी लोग अजान सुनते हैं घर पे भी जाकर भी, बहुत माओ ने कहा है कि घर पे भी जब आवाज़ आती है तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स इसका बच्चों का भी होने लगा है, तो वो एक अलार्म की तरह याद दिलाते हैं हमें. तो बड़ा ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा है, और कई लोग हमसे इसको सीख कर खुद भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक चीज़ है ना, जिसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी. कोई अलार्म की तरह जैसे मेरे ऊपर तो एक जैसे एकदम आवाज़ जब भी जाए वो जितनी बार भी जाए तो डिपेंड करता है. तो एवरी टाइम जब आप सांस लेते हैं तो आप एक्चुअली खिड़की में अंदर आ रहे हो बार बार, और फिर जैसे ही सांस खत्म हो जाती है हो सकता है कि वापस ऊपर चले जाओ, कोई बात नहीं वापस वापस आएंगे. ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कहीं स्टक नहीं हो जाना हमें, राइट. और इसकी सलाहियत आपके पास है, किसी और के पास नहीं है. तो अपने आप पर हमदर्दी और अपनी बॉडी पे को कितना हम मतलब थैंक करें कि ये हमारे लिए सब कुछ करती है बॉडी, विदाउट कि हम कोई कंट्रोल नहीं हमें, बस ये सब कुछ हो रहा है हमारी बॉडी, राइट. तो हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा वो दें प्यार और हमदर्दी, और ऑल्सो हाउ यू से ऑनर लाइक अपनी बॉडी को इज्जत दें कि आप जब उस स्टेट में होते हैं तो अपनी बॉडी के थ्रू थोड़ा सा रुक जाए, ब्रीदिंग करें 5 4 3 2 1 जो अभी हमने करा वो हो सकता है, सिंगिंग करें लोगों से, डांस करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, किसी से बातचीत करना, पर अपनी बॉडी के थ्रू वापस से खिड़की में आना, ये एक प्रायोरिटी बनेगी तो फिर शायद दूसरी चीज़ें थोड़ा आसान लगेंगी, थोड़ा आसान बट लाइक गुंजाइश थोड़ी बढ़ेगी. आपकी जो खिड़की है ना उसको बढ़ाना है, और ये खिड़की बढ़ सकती है. और जो कॉम्पिटिटिव सा जो हमारे साथ बहुत सालों से चल रहा है, पढ़ाई ग्रेड्स सब आपको दिमाग में ले जाते हैं, स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, अभी एग्जाम आ रहे हैं, सारी चीज़ें बस बच्चे को बचपन से यही बता रही होती हैं दिमाग इस्तेमाल करो दिमाग इस्तेमाल करो. बस इसके बरक्स अगर आप एक वो देख लें, नमाज देख लें, रिचुअल्स हैं ना ये, रिचुअल्स कहते हैं इनको, तो हमने उन्होंने हमें क्या सिखा दिया अल्लाह ताला ने कि आप जब दुआएं मांगो मुझसे तो साथ साथ जिस्म को भी ऊपर नीचे यूँ ये यूँ, कभी कभार हमें उसकी समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं हम, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, हम क्यों कर रहे हैं. असल में वो हमें याद दिला रहे हैं कि तुम दिमाग से जो उससे हटो ज़रा जिस्म पे भी आओ. और उस वक्त अगर नमाज के दौरान हम कुछ चीज़ें सोचने लगते हैं तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं कहाँ सोच चली जाती है. तो वो हमें कहा जा रहा है कि जो रट्टा लगाया हुआ है बस उसको बोलते रहो मुझसे, क्योंकि वो कह रहे हैं जिसम में आओ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस वक्त तुम ज़्यादा सोचोगे तो तुम ये सोचोगे जल्दी से नमाज ख़त्म करूँ खाना जल जाएगा, वो प्रेजेंस चली जाती है ना, मौजूद ही नहीं उसमें, और जब हम किसी चीज़ में मौजूद ही नहीं तो फिर हम उसको कैसे इन्जॉय कर सकते हैं. हो नहीं सकता कि मेरे सामने मेरा कोई, मैं किसी से प्यार कहती हूँ मेरे सामने, और अगर मैं सोचूँ मैं मशरूक हूँ तो मैं उसके साथ मौजूद नहीं हूँ. हाँ इस तरह से मुझे किसी ने समझाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैं आपको हम अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे हैं. कैसा लग रहा है ऐसे बात करते हुए मुझसे? हम ऐसे होते हैं अपनी सोचों के साथ, सोचें इतनी हो कोई भी होती हैं कि वो हमारे सामने और हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बस ऐसे करके. तो हमें क्या करना है, रुक के थोड़ा सा इसको इधर लाना है ताकि हम इसको देख सकें.
हटाना नहीं है, क्योंकि हटा ही नहीं सकते आप जितना कोशिश कर लें सोच को बदलने की या हटाने की, नहीं होता है ये, जो आपको बोलता है गलत बोलता है, नहीं होता है। हमें क्या करना है, हमें वो सोच को लेके देखना है कि ये क्या है, थोड़ा सा हटाए मुझ से, और वो तब ही होता है जब हम खिड़की में आएंगे तो होता है। सो दिस इज इट, जितनी भी जो सोचें मोहब्बत की सोचें, किसी को हम कह रहे हो आई लव यू, तो अगर मैं यूँ खड़ा तो बोला आई लव यू, और अगर एक बहन भाई को जाके राखी पहनाती है, मतलब एक एक्शन धागा बांधती है, धागा उस पर फोकस करती है, तो प्रेजेंट में आती है ना, वो ऐसे तो नहीं कर सकती कि धागा भी बांध रही है और साथ साथ जो है वो कुछ और भी कर रही है, नहीं हो सकता ना, फोकस करना होता है। तो जो रिचुअल्स जितने भी हैं ना, जिनको हम रिचुअल्स कहते हैं, रिचुअल्स के भी बहुत उनके भी मायने हैं, क्योंकि उसमें हम बॉडी के एक्शंस को सफर या हम भागते हैं वो क्या है, वो एक्शन है ना, तो हाँ प्रेजेंट में आ जाते हो, एग्जाम होती है, पाँव में पत्थर महसूस होते हैं, जो भी है आप यू नो। एक और चीज़ सोचने की है कि हम जब जहाँ पे भी होंगे इस विंडो में, या तो बहुत ऊपर है या तो थोड़ा सा ऊपर है, या मतलब डिपेंड करता है ना कहाँ पर आप हो, और उसके लिहाज से आपको वो ही चीज़ कर सकेंगे जो आपके लिए उस वक्त मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेटिंग करते हैं, ठीक है, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे 3 out of 10 हो सकता है गुस्सा, मुझे 10 out of 10 भी हो सकता है, इतनी उसकी वो है, एक रेंज होती है ना गुस्से के लिए, राइट, रेंज होती है ना। तो अगर मुझे गुस्सा 3 out of 10 आ रहा है, 3 out of 10 का गुस्सा आ रहा है, तो उस वक्त हो सकता है कि मेरे पास इतनी गुंजाइश हो कि मैं उस पर किसी से बात कर सकूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे प्लीज थोड़ी देर सुन लो, गुंजाइश होगी ना। लेकिन अब ये सोचा है मुझे 10 out of 10 गुस्सा आ रहा है, तो उस तक मुझे किसी से बात नहीं करनी, ठीक है। तो रेटिंग के लिहाज से भी होता है कि कोई चीज़ उस वक्त हो जाती है, कोई चीज़ नहीं होती। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नीचे वाले हिस्से में डिप्रेसिव वो जो बिल्कुल वो वाला स्टेज जो मायूसी वाला, तो उसमें शायद मेरे पास इतनी कोई एनर्जी नहीं होगी कि मैं जाकर कोई डांस करूँ, क्या हो सकता है वो, पर हो सकता नहीं हो, ठीक है, हो सकता है कि उस वक्त मेरे पास इतनी भी नहीं हो एनर्जी कि मैं नमाज पढ़ सकूँ। तो उस वक्त हमें ये सोचना है कि मैं इसको इंग्लिश में कहती हूँ, व्हाट्स द स्मॉलेस्ट दैट आई कैन डू टू कम बैक इन माय विंडो, वो क्या है छोटी सी सबसे चीज़ जो मैं कर सकती हूँ अभी जिससे मैं वापस खिड़की में आ जाऊँ। वो क्या, ये भी हो सकता है अगर मैं बैठी हुई हूँ मायूस और मुझे कुछ भी नहीं करना, इनके अलबेरा बस, स्मॉलेस्ट अपनी जगह बदल दो, स्मॉलेस्ट करना। अगर आपके लिए स्मॉलेस्ट है कि मैं 3 सांसें ले सकती हूँ तो वो भी ठीक है, लेकिन कुछ करना ताकि आप थोड़ा खिड़की के पास तो आए, हम अंदर ना आ सकें शायद उस वक्त, लेकिन थोड़ा पास तो आए, तो बिल्कुल स्मॉलेस्ट। तो इसलिए ये ना हो कि नेक्स्ट टाइम आप गुस्से में हो और आप कहें मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, नहीं होता उस वक्त, मगर उस पर क्या चीज़ हो सकती है ये सोचो, छोटी सी चीज़। जैसे कि हमारे प्यारे जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी यहाँ तक ये बोला है करवट बदल दो, बस सिर्फ हदीस है कि मतलब जस्ट मूव, कुछ जाए कुछ कर जाए, ठीक है। और जब आप इस नियत के साथ करेंगे ना कि मुझे खिड़की में आना है, तो फिर और भी महसूस होगा, वही बातें गौर होगा ना थोड़ा, और कि हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पहले हमारी गुंजाइश में आ जाए, फिर हम देखेंगे करना क्या है। डन डन 4:30 का टाइम दिया है।